नमस्ते शिव कुमार जी। नमस्कार जी। शिव कुमार जी, यह बताइए कि ओम की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, ये बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक पॉइंट है। मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो तीन चीजों का अस्तित्व, जिसको त्रैतवाद हम सब भारतीय मानते हैं, वो एग्जिस्ट करता था। एक तो परमपिता परमात्मा का अस्तित्व, एक आत्मा का अस्तित्व और एक प्राकृति का अस्तित्व। इन तीन अस्तित्वों की मूल रूप में उत्पत्ति नहीं होती, ये एग्जिस्ट करते करते हैं। मानव की सोच का इंड यहाँ आ पर खत्म हो जाता है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, किसी भी ग्रंथ में अवेलेबल भी नहीं है। ओम शब्द जो है ना, जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचना करने का इरादा बनाया, मन में विचार उठा, तो उनकी एक अपनी शक्ति है जिसको हम अर्वन कहते हैं, अनीत अवातम कहते हैं, और उसको दक्ष भी कहते हैं, मातृष्वा भी कहते हैं। चार पांच प्रकार के नामों से ये सुशोभित है। ये सिर्फ परम पिता परमात्मा की ही शक्ति है, उनमें ही रहती है और किसी में भी नहीं है। वो शक्ति से जब परम पिता परमात्मा प्रकृति पे प्रहार करते हैं, जो पहली ध्वनि उत्पन्न होती है वो ओम है। ये ओम शब्द इसलिए सबके मन पर, मानवता के, सारी मानवता के मन पर बेहद अच्छा असर डालता है। ओम शब्द जो है ना, इट इज कंड्यूसिव टू माइंड, कंड्यूसिव टू बॉडी, कंड्यूसिव टू सोल। बड़ा इफिकेशियस रिजल्ट आता है इसका जब हम उच्चारण करते हैं मानसिकता से या होठों से, जैसे भी उच्चारण करते हैं, तो इसका बेहद उत्तम असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि ओम का नाम सिर्फ सुनना ही बहुत है। कई लोग कहते हैं कि इसका उच्चारण से ही बेनिफिट होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों, मतलब कि सुनना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए? इस ओम शब्द का मानसिक जाप, मीन अपने मन में इसका उच्चारण करना, और फिर इस उच्चारण से परम पिता परमात्मा से संबंध बनाना उसके साथ ही। जैसे मैं आपका नाम लूँ विनोद जी, तो आपका सारा अस्तित्व मेरे सामने आएगा। ऐसे ही ओम के उच्चारण से भगवान का अस्तित्व सामने आना चाहिए, ऐसी भावना जरूर बनेगी। जिस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, उससे सीधा हमारा संबंध बने, तब ये सबसे ज़्यादा अच्छा असर ला सकता है। वैसे भी बोलने में जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, या ऐसा ही टेलीफोन आता है, किसी भी ढंग से मिलते हैं, तो हम ओम का उच्चारण करके बेहद ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कहते हैं, इसका मीनिंग है कि रक्षा करने वाला। ओम का जो मीनिंग है, क्लियर डेफिनेशन इज़ कि रक्षा करने वाला है परमात्मा। तो आप इसकी एक क्लियर डेफिनेशन क्या कहोगे? आपको मैं एक बात बताऊं, जब ये चीज हुई ओम की उत्पत्ति, ना तो उस टाइम कोई भाषा थी, ना कोई व्याकरण था, तो कैसे परिभाषित हुआ होगा ये बेहद शब्द जाल में फंसने वाली बात के सिवा और कुछ कुछ भी भी नहीं, नहीं। बिल्कुल। आपको चाहिए बस उच्चारण कीजिए, आनंद लीजिए अपनी और सामाजिकता की, अपने परिवार की शांति और अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कीजिए। शब्द जाल में मत मलिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।